नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो, इसी मनोकामना के साथ आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं मित्रों। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि नई जानकारी आपको मिलती रहे। और इसके अलावा आपके जीवन में कोई भी समस्या है जिसका बहुत उपायों के बाद भी आप समाधान नहीं कर पा रहे हो, जैसे पति पत्नी में अनबन, घरेलू कलह कलेश, प्यार में धोखा, प्रेमी का बिछड़ना, रिश्ते में किसी तीसरे व्यक्ति का प्रवेश आदि समस्याओं से ग्रसित भक्तजन बेझिझक हमें संपर्क करें। आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा एवं आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप अभी संपर्क करें। धन्यवाद। और मित्रों, हम जो भी विधियां आपको बताते हैं उनमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है, अतः जैसे बताया है वैसे ही करें। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं विधि की। तो विधि में मित्रों, सबसे पहले विधि का समय जानेंगे कि विधि का समय क्या है। तो मित्रों, विधि का जो समय है वो है रात्रि 12 बजे के बाद, यानी किसी भी दिन रात्रि 12 बजे के बाद आप ये विधि शुरू कर सकते हैं। रात्रि में ही आपको ये विधि करनी है और एकांत में ये विधि करनी है। दिन की कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी दिन हो, सोमवार मंगलवार कोई भी वार हो, कोई पाबंदी नहीं है, पर रात्रि में आपको ये विधि करनी होगी। माताएं बहनें ध्यान रखें, कठिन दिनों में इस विधि को ना करें और कोई भी पुरुष या महिला मांस मदिरा का सेवन करके इस विधि को ना करें। तो ये दो सावधानी के साथ मित्रों आप ये विधि शुरू करेंगे। तो मित्रों, हमने विधि की सावधानी जान ली है, विधि का समय जान लिया, जान लेते विधि की सामग्री। तो मित्रों, विधि की सामग्री के रूप में आपको लेना है जल। मित्रों, जल जो है वो सामान्य नहीं है, वो लेना आपको गंगा जल, यानी एक गिलास गंगा जल किसी भी पात्र में आप ले लेंगे। गिलास में ले सकते हैं मित्रों, आप घर में जो पूजा में जो पात्र इस्तेमाल करते हैं पानी के लिए वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पर आपको साफ सुथरा पात्र लेना है। और दूसरी सामग्री मित्रों चाहिएगी इलायची। मित्रों, हरी इलायची बोलो चाहे छोटी इलायची बोलो, पर यह आपको लेनी है, हर दिन एक लेनी है। इस पहले दिन में आपको एक इलायची लेनी है। तो मित्रों, आपको ये जो सामग्री है ये लेनी है, एकांत में विधि करनी है। मित्रों, कपड़ा बिछा कर बैठ जाइएगा, खुद भी किसी आसन पर बैठकर ये विधि करेंगे। तो अब चले मित्रों विधि शुरू करते हैं। तो मित्रों, विधि में हमें सबसे पहले करना ये है कि आपको एक इलायची पानी के अंदर डाल देनी है। एक इलायची को मित्रों आपको पानी के अंदर डाल देना है, गंगा जल के अंदर आपको एक इलायची को डाल देना है। और जब आप उसको डाल दें, उसके बाद आप इसको सीधे हाथ में लेकर, कुछ इस प्रकार से सीधे हाथ में लेकर सामने वाले व्यक्ति का अंतर ध्यान करते हुए एक मंत्र बोलेंगे। सामने वाले का व्यक्ति का अंतर ध्यान का मतलब उसकी तस्वीर को, उसकी छवि को अपने मन में स्थापित करेंगे, अंतर ध्यान करेंगे और उसकी छवि को अंतर ध्यान करते हुए मंत्र बोलेंगे। मित्रों, मैं मंत्र बोल देता हूँ, मंत्र ध्यान से सुनेगा, मंत्र में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मित्रों मंत्र में गड़बड़ हो गई तो दिक्कत हो सकती है। तो मित्रों, मंत्र है ओम वसम वसम कुरु ओम, मात्र इतना मंत्र बोलना है। मित्रों, मैं मंत्र फिर से बोल देता हूँ, मंत्र है ओम वसम वसम कुरु ओम। 551 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है, ओम वसम वसम कुरु ओम। यह मंत्र आपको बोलना है मित्रों, किसी का नाम नहीं लेना, किसी की कोई सामग्री नहीं लेनी, बस सामने वाले व्यक्ति का अंतर ध्यान करते हुए आपको यह मंत्र 551 बार बोलना है। जब मित्रों आप 551 बार बोल दें, यह मंत्र आप 551 बार बोल दें, उसके बाद आपको इस पात्र के ऊपर किसी भी पात्र से इसको ढक देना है और अपने सिरहाने के पास किसी टेबल को लगाकर उसके ऊपर रखकर सो जाना है। पहले दिन की रात्रि इतना ही करना है मित्रों। दूसरे दिन की सुबह उठते ही ये इलायची इसमें से निकाल लेंगे और इस इलायची को किसी भी ऐसी जगह रख देंगे जहाँ पर कोई से देखे ना। और ये जो जल है इसको आप अपने घर के मंदिर में रख देंगे, यानी मंदिर का पात्र उपयोग करेंगे तो बेहतर रहेगा, पर इसका कोई उपयोग ना करें, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। फिर दूसरे दिन मित्रों, पूरे दिन में आपको किसी भी समय सामने वाले व्यक्ति को ये इलायची ग्रहण करवानी है, चाहे वो आप खाने में दे सकते हैं, आप चाय में दे सकते हैं, आप किसी भी प्रकार से सामने वाले को ग्रहण करवाएंगे, पर सामने वाले को ये इलायची ग्रहण करवानी आपको जरूरी है दूसरे दिन। ये विधि मित्रों तभी कीजिएगा जब आप सामने वाले के आसपास हो। तो मित्रों, दूसरे दिन आपको इतना करना है दिन का कार्य। दूसरे दिन की रात्रि मित्रों आपको वही जल ले लेना है, एक नई इलायची ले लेनी है और उस इलायची को पानी के अंदर डाल देना है। उसी गंगा जल में डालकर सीधे हाथ में लेंगे। सीधे हाथ में लेने के बाद इसी मंत्र का जाप करेंगे, ओम वसम वसम कुरु ओम, ओम वसम वसम कुरु ओम, ओम वसम वसम कुरु ओम। 551 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है और फिर से पहले दिन की रात्रि की तरह इसको अपने सिरहाने के पास रखकर सो जाना है। तीसरे दिन
आपको ये इलायची निकालनी है। इलायची निकालकर इसको कहीं और रख देना है साफ सुथरी जगह पर, और इसको कहीं और फिर पूरे दिन में कभी भी सामने वाले को ग्रहण करवा देनी है। सामने वाले को किसी भी प्रकार से मित्रों ग्रहण करवाइएगा, पर ग्रहण करवाना जरूरी है। जब आप वो ग्रहण करवा दें उसके बाद आप रख देंगे, अपने अपने काम में लग जाएंगे। मित्रों माफ़ कीजिएगा, आप अपने काम में लग जाइए। फिर मित्रों तीसरे दिन की रात्रि आपको नई इलायची लेनी है, पानी के अंदर डालना है, अभिमंत्रित करना है। अभिमंत्रित करने के बाद वापस वही कार्य करना है। और चौथे दिन की सुबह उठकर, अंतिम दिन का कार्य मित्रों, चौथे दिन की सुबह उठकर ये जो इलायची है इसको आप अपने पास रख लीजिएगा, और ये जो जल है स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य देव को ये गंगा जल अर्पित कर दीजिएगा, सूर्य देव को अर्पित कर दीजिएगा। और अर्पित करते समय 11 बार सामने वाले व्यक्ति का नाम लेंगे, यानी कि आप सूर्य देव को अर्घ दे रहे हैं और 11 बार सामने वाले व्यक्ति का नाम ले रहे हैं। ये करने के बाद मित्रों चौथे दिन में ये इलायची सामने वाले को खिला देनी है किसी भी तरीके से। जैसे ही वो इलायची खाएगा आपकी विधि वहीं पर समाप्त हो जाएगी। जिसका भी आप वशीकरण कर रहे हैं वो पूरी तरीके से आपके वश में हो जाएगा, आपकी हर बात मानने लग जाएगा, जैसा आप कहेंगे वैसा करने लग जाएगा। पर मित्रों कई लोगों के लिए जीवन में इतना आसान कुछ भी नहीं होता, वो बहुत परेशान होते हैं और वो दुखी होकर कुछ भी नहीं करते और अपने आप को दुख में ही रखते हैं। अगर मित्रों आप भी ऐसे हो रहे हैं और आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो मित्रों हमारे नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप उस पर संपर्क कीजिएगा, आपकी जो भी समस्या होगी उसका समाधान किया जाएगा। और अगर आपसे नहीं हो रहा है तो हमारे यहाँ पर भी आप कार्य करवा सकते हैं। बाकी मित्रों विधि में कोई गड़बड़ मत कीजिएगा, 4 दिन की विधि है मित्रों। 4 दिन के बाद सामने वाला अगले 2-3 दिनों के भीतर भीतर पूरी तरीके से आपके वशीकरण में हो जाएगा। आपने ये जो विधि की है ये खिलाए पिलाए की विधि है मित्रों, खिलाए पिलाए की विधि बेहद ताकतवर होती है और ये आपको बेहद सफल होगी और आप बेहद सफल होंगे इस विधि में। मित्रों विधि कीजिएगा, आप जरूर सफल होंगे, हमारी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ है। मित्रों विधि को लेकर आपके मन में कोई शंका या सवाल है या आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है जिसने आपके जीवन को नर्क बना रखा हो और अनगिनत उपायों के बाद भी आपको समाधान नहीं मिला हो, जैसे पति पत्नी में अनबन, घरेलू कलह कलेश, प्रेमिका बिछड़ना, रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन का आना, प्यार से शादी ना हो पाना आदि समस्याओं हेतु आप हमें संपर्क करें। और अगर विधि करते वक्त आपसे कोई गलती हो गई है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप हमें संपर्क करें, हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है, स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें, आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।